भूरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताया गया आत्म साक्षात्कार की साधनाओं के सरल और सुलभ साधनाओं के बारे में ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं धर्म जीवन की साधनाएं। लॉस एंजलस कैलिफोर्निया में दिया हुआ भाषण। आज इस प्रातःकाल के समय में मैं प्राणायाम तथा अन्य योग साधनाओं के संबंध में कुछ विचार प्रकट करूंगा। हमने अभी तक सिर्फ तात्विक चर्चा ही की है। अब हम यह देखेंगे कि इन सब तत्वों का हम प्रत्यक्ष आचरण में किस प्रकार ला सकते हैं। भारतवर्ष में इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। जिस तरह तुम लोग अनेक बातों में व्यवहार कुशल हो, उसी तरह हम भारतवासी इस विषय में हैं। तुम लोगों में से 5 मनुष्य इकट्ठे हो जाते हैं और उनका विचार हो जाता है कि वे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलें। 5 घंटे बाद कंपनी खुल भी जाती है। भारतवर्ष में लोगों से 50 साल में भी ऐसी कंपनी नहीं खुल सकी। भारतवासी इन बातों में व्यवहार कुशल है ही नहीं, लेकिन अगर कोई नया दर्शन प्रवर्तित करे तो तुम निश्चय समझ लो कि वह चाहे जितना ही विलक्षण क्यों न हो, उसके अनुयायी निकल ही पड़ेंगे। उदाहरणार्थ मान लो अगर किसी ने कहा कि 12 साल दिन रात एक पैर पर खड़े रहने से मुक्ति मिल जाएगी, तो एक पैर पर खड़े रहने को सैकड़ों आदमी मिल जाएंगे। वे सारी तकलीफ चुपचाप सह लेंगे। वहाँ ऐसे मनुष्य भी हैं जो कि पुनः प्राप्त करने के लिए लगातार सालों हाथ उठाए ही रह जाएंगे। मैंने स्वयं ऐसे सैकड़ों व्यक्ति देखे हैं और यह ध्यान रहे कि इनमें से सभी मूर्ख होते हैं ऐसा नहीं। उनकी गंभीर तथा विशाल बुद्धि देखकर तुम चकरा जाओगे। अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि व्यवहार कुशलता शब्द भी सापेक्ष है। दूसरों की योग्यता ठहराते समय हम सदा यही गलती कर बैठते हैं। हम समझ बैठे हैं कि हमारी छोटी बुद्धि जितना समझ सकती है उतना ही यह विश्व है। मेरी नीति की कल्पनाएं, मेरी कर्तव्य विषयक भावना या मेरी उपयोगिता की कल्पना, यही केवल ऐसी वस्तुएं हैं जो लोगों के पाने योग्य हैं। एक दिन यूरोप में भ्रमण करते समय मैंने देखा मार्सिल्स में, जिसको मैं पार कर रहा था, सांडों की लड़ाई हो रही थी। लड़ाई का हाल सुनकर जहाज में बैठे हुए सब अंग्रेज जोश से पागल हो गए थे। कह रहे थे, यह तो बिल्कुल बेरहमी है, और बड़े दोष बतलाकर बुरी भाषा उपयोग में ला रहे थे। जब मैं इंग्लैंड गया तो वहां मैंने दंगल में भाग लेने वाले
एक दल के विषय में सुना। ये लोग पेरिस गए थे और फ्रांसीसियों ने ठोकरें मारकर इन्हें निकाल दिया था, क्योंकि वे दंगल खेलना, प्राइज फाइटिंग, बेरहमी समझते हैं। जब इस तरह की बातें मैं अनेक देशों में सुनता हूँ, तो ईसा के अप्रतिम शब्दों का मतलब मेरी समझ में आ जाता है, ताकि दूसरे लोग तुम्हें बुरा न कहें, तुम भी किसी को बुरा न कहो। जितना ही अधिक हम समझने लगते हैं, उतना ही अधिक हमें पता लगता है कि हम कितने अज्ञ हैं और मनुष्य का मन किस तरह अनंत प्रकार से कार्य कर रहा है। जब मैं छोटा था, तब मैं अपने देश बांधवों की देह दंडात्मक तपस्या के प्रकारों में नुक्ताचीनी किया करता था। हमारे देश के बड़े बड़े आचार्यों ने भी उन प्रकारों में नुक्ताचीनी की है। इतना ही नहीं, दुनिया के श्रेष्ठतम पुरुष भगवान बुद्ध ने भी यह बात की है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि उनकी इस तरह नुक्ताचीनी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि उनकी बातें असंबद्ध होती हैं, तो भी कभी कभी मैं भी चाहता हूँ कि उनकी कार्य अक्षमता तथा सहन शक्ति का एक अंश मुझ में आ जाए। मुझे अक्सर मालूम होता है कि यह जो मैं नुक्ताचीनी करता हूँ, वह इसलिए नहीं कि मुझे देहदंड पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं डरपोक हूँ। मुझ में वह करने की हिम्मत नहीं है। मैं उसे आचरण में नहीं ला सकता। तुम्हारे ध्यान में यह भी आ जाएगा कि बल, वीर्य तथा धैर्य ये ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल खास हैं। हम अक्सर कहा करते हैं कि यह मनुष्य शूर है, हिम्मत वाला है या धैर्यशील है, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि शौर्य, धैर्य या अन्य गुण हमें केवल उसी मनुष्य में सभी अवस्थाओं में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं, एक मनुष्य जो तोप के मुंह में घुस जाएगा, डॉक्टर का चाकू देकर पीछे हट जाता है, लेकिन दूसरा मनुष्य जो तोप देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा, मौका पड़ने पर डॉक्टर की चीर फाड़ शांति से सहन कर लेता है। इसलिए दूसरों के संबंध में अनुकूल या प्रतिकूल मत बनाने के समय तुम्हें हिम्मत या बड़प्पन की अपनी व्याख्या देनी चाहिए। हो सकता है कि जिस मनुष्य को मैं बुरा कहता हूँ, वह अन्य कोई बातों में बहुत ही अच्छा हो, जिनमें मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण लो, जब लोग मनुष्य और स्त्री की कार्य शक्ति के संबंध में बातचीत करते हैं, तो तुम देखो ये कि वे वही गलती कर बैठते हैं। मनुष्य के युद्ध तथा कठिन शारीरिक श्रम कर सकने के कारण वे समझते हैं कि वह अधिक श्रेष्ठ है, और इसके साथ स्त्री जाति की शारीरिक दुर्बलता तथा युद्ध प्रांग मुखता की तुलना कर वे दोनों में विरोध दिखाते हैं। पर ऐसा सोचना अन्याय है। स्त्री भी उतनी ही धैर्यशालिनी होती है जितना कि पुरुष। भला एक ऐसा मनुष्य बतलाओ जो बालक संगोपन, उतनी सहनशीलता
तथा शांति एवं प्यार के साथ करेगा, जितनी सहनशीलता शांति और प्यार के साथ एक स्त्री कर सकती है। पुरुष ने अपनी कार्य अक्षमता का सामर्थ्य बढ़ाया है तो स्त्री ने सहनशीलता का। अगर स्त्री में कार्यकारित्व नहीं है तो पुरुष कष्ट सहने में कच्चा है। यह संपूर्ण विश्व पूर्णतया समतोल है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद एक दिन ऐसा आ जाए जब हमें यह दिख जाए कि एक अक्षुद्र कीटक में भी वे गुण मौजूद हैं जिनसे हम अपने मनुष्यत्व की तुलना कर सकते हैं। अत्यंत दुष्ट मनुष्य में भी वे गुण हो सकते हैं जो मुझ में बिल्कुल न हों। अपने जीवन में यह सत्य मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ। इस जंगली ही की ओर देखो, मैं कितना चाहता हूँ कि मेरा शरीर भी ऐसा ही मजबूत होता है। वह भरपेट खाता पीता है, फिर भी बीमारी क्या चीज है यह शायद जानता तक नहीं। इसके विरुद्ध मैं सर्वदा बीमार रहता हूँ। अगर मैं अपने मस्तिष्क से इसका शरीर बदल ले सकता तो कितना खुश होता। यह सारा विश्व ऊंच नीचता का खेल है, ऐसी कोई लहर नहीं जो उठती पड़ती न हो। समतोलता सर्वत्र अनुसयुत है। तुम्हारे पास एक वस्तु बड़ी है तो तुम्हारे पड़ोसी के पास दूसरी। जब तुम पुरुष या स्त्री की योग्यता ठहराते हो तो उनके बड़प्पन के अलग अलग दंडक से ठहराओ। प्रत्येक का कार्य अक्षेत्र भिन्न है। किसी को भी दूसरा दुष्ट है ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। यह वही पुराना अंधविश्वास है जो कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। यह चलता ही आ रहा है और फिर संसार आज तक नष्ट नहीं हुआ। इस देश में ऐसा कहा जाता था कि अगर निग्रो मुक्त कर दिए जाएं तो संसार रसातल को पहुंच जाएगा। क्या ऐसा हुआ? लोग ऐसा कहते थे कि अगर साधारण जनता में ज्ञान का प्रसार होगा तो दुनिया का नाश हो जाएगा। इस ज्ञान प्रसार ने तो उन्नति ही की है। कई वर्ष पहले एक किताब छपी थी जिसमें एक चित्र इस आशय का खींचा था कि इंग्लैंड का सबसे बुरा क्या हो सकता है। लेखक ने यह दिखाया था कि मजदूरी बढ़ती जा रही है और इस कारण इंग्लैंड का व्यापार घटता जा रहा है। ऐसा चिल्लाना शुरू हुआ कि अंग्रेजी मजदूर बेहद मजदूरी मांगते हैं और यह बतलाया गया कि जर्मन मजदूर बहुत कम वेतन पर काम करते हैं। इस विधान की परीक्षा करने के लिए एक समिति जर्मनी भेजी गई और रिपोर्ट यह निकली कि जर्मनी के मजदूर तो अधिक वेतन पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कारण यह है कि साधारण जनता में साक्षरता का प्रसार है। साधारण जनता पढ़ी लिखी होने से दुनिया नष्ट होने वाली थी ने, पर ऐसा हुआ तो नहीं। खासकर भारत में देश भर में ऐसे बूढ़े खड़ूस बहुत हैं जो सारा ज्ञान साधारण जनता से गुप्त रखना चाहते हैं। इस कल्पना में वे अपना बड़ा समाधान कर लेते हैं कि सारे विश्व के श्रेष्ठों में वे श्रेष्ठ हैं। वे समझते हैं कि साक्षरता के ये भयानक प्रयोग उनका नुकसान नहीं कर सकते। उससे नुकसान होगा तो साधारण जनता का ही। अच्छा, अब हम प्रत्यक्ष साधना की ओर झुकें। मानस शास्त्र का
व्यवहार में उपयोग करने की ओर भारतवर्ष ने बहुत प्राचीन काल से ध्यान दिया है। ईसा के करीब 1400 वर्ष पूर्व भारत में एक बहुत बड़े तत्वज्ञ हो गए हैं जिनका नाम पतंजलि था। उन्होंने मानस शास्त्र के संशोधन सिद्धांत तथा प्रमाण संकलित किए और पूर्वकालीन सब अनुभवों से लाभ उठाया। यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया बहुत पुरानी है। ऐसा मत समझो कि यह सिर्फ 2-3 हजार वर्ष पूर्व ही रची गई है। इधर तुम पाश्चात्यों को यह सिखलाया जाता है कि समाज का आरंभ 1800 वर्ष पूर्व नए अहदनामे के साथ ही हुआ है। इसके पहले समाज नहीं था। संभव है यह बात पश्चिम गोलार्ध के बारे में सच हो, लेकिन सारी दुनिया को यह सत्य लागू नहीं होता। जब मैं लंदन में भाषण दिया करता था, तब मेरा एक बुद्धिमान और पढ़ा लिखा मित्र मुझसे वाद विवाद किया करता था। एक दिन सारे शस्त्र चला चुकने के बाद वह एकदम बोल उठा, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हारे ऋषि इस हमारी विलायत को ज्ञान देने क्यों नहीं आए। मैंने जवाब दिया, तब विलायत थी ही कहाँ जो ज्ञान दाने आते, क्या वे जंगलों को सिखलाते। ईगर साल ने मुझसे कहा था कि अगर तुम 50 साल पहले यहाँ ज्ञान सिखलाने आते तो यहाँ तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता या जिंदा जला दिया जाता अथवा पत्थर मारकर तुम्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाता। इसलिए यह मानना ठीक ही है कि यह संस्कृति ईसा के 1400 वर्ष पूर्व शुरू हुई हो। यह बात अभी तक निश्चित नहीं हुई है कि संस्कृति की गति सदा अधस्तल से उन्नत तल की ओर ही हुई है। यह सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए जो आधार तथा प्रमाण पेश किए गए हैं, उनसे यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि आज का जंगली समाज एक समय के उन्नत समाज का अधःपतित स्वरूप है। अब चीन के लोगों का ही उदाहरण लो। उनका कभी इस बात पर विश्वास ही नहीं हो सकता कि संस्कृति का उदय जंगली हालत से हुआ है। उनका अनुभव इसके बिल्कुल प्रतिकूल है। लेकिन जब तुम अमेरिका की संस्कृति के बारे में बात करते हो, तो तुम्हारी दृष्टि से संस्कृति का अर्थ यही होता है कि सब जाति का चिरजीवित्व तथा उसका सतत विकास। यह विश्वास करना बड़ा सरल है कि जिन हिंदुओं का आज 700 वर्षों से पतन हो रहा है, वे एक समय अवश्य ही खूब सुसंस्कृत रहे होंगे। इसके प्रतिकूल प्रमाण हम उपस्थित कर ही नहीं सकते। ऐसा एक उदाहरण नहीं है कि जहां की संस्कृति खुद ब खुद पैदा हो गई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना किसी दूसरी सुसंस्कृत जाति के मिले कोई जाति उन्नत हो गई हो। संस्कृति का उदय पहले एक या दो जातियों में हुआ होगा और फिर ये जातियां दूसरी जातियों से मिली जिन्होंने अपने विचार फैलाए और इस तरह संस्कृति का विकास हुआ। उपयोगिता की दृष्टि से आधुनिक शास्त्रीय भाषा में ही चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हें सचेत कर देना चाहिए कि जिस तरह धर्म के संबंध में अंधविश्वास है, उसी तरह शास्त्रीय विषयों में भी अंधविश्वास हो सकता है। धार्मिक कार्य को अपना
वैशिष्ट मानने वाले पुरोहितों के सदृश भौतिक विज्ञान के भी पुरोहित होते हैं जो वैज्ञानिक कहलाते हैं। जो ही डार्विन या हक्सले जैसे शास्त्रज्ञ का नाम लिया जाता है तो ही हम आँख मीच कर उनका अनुसरण करने लगते हैं। यह तो आजकल का फैशन ही बन बैठा है। जिसे हम शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं उसका 90% केवल बौद्धिक उत्पत्ति ही होता है और इसमें से बहुत सा तो अनेक हाथ और सिर वाले भूतों में अंधविश्वास के सदृश ही होता है। फर्क इतना ही है कि इस दूसरी उत्पत्ति में मनुष्य को पत्थरों अथवा डंठलों से कुछ थोड़ा पृथक माना है। सच्चा विज्ञान हमें सावधान रहना सिखलाता है। जिस तरह पुरोहितों से हमें सावधान रहना चाहिए उसी तरह शास्त्रज्ञों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। पहले अविश्वास से आरंभ करो, छानबीन करो, परीक्षा करो और प्रत्येक वस्तु का प्रमाण मांगने के बाद उसे स्वीकार करो। आजकल के विज्ञान के बहुत से प्रचलित सिद्धांत जिनमें कि हम विश्वास करते हैं प्रमाणित नहीं हुए हैं। गणित जैसे शास्त्र में भी बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो कि केवल मान ली हुई उत्पत्ति के सदृश ही हैं। जब ज्ञान की वृद्धि होगी तो ये धुतकार दिए जाएंगे। ईसा के 1400 वर्ष पूर्व एक बड़े महात्मा ने मानस शास्त्र के कुछ सत्यों की व्यवस्थित रचना तथा विश्लेषण कर उनसे व्यापक सिद्धांत निकालने का प्रयत्न किया था। उनके बाद उनके अनेक अनुयायी आए जिन्होंने उनके संशोधित ज्ञान के अंश ले लिए और उन्हीं का अध्ययन विशेष रूप से आरंभ किया। प्राचीन जातियों में सिर्फ हिंदुओं ने ही ज्ञान के इस विभाग का अध्ययन मन लगा कर किया है। मैं अब तुम्हें वही सिखलाऊंगा, लेकिन तुम में से कितने उसका आचरण करोगे? बताओ तो कितने दिन या कितने महीने के बाद ही तुम उसे छोड़ दोगे? मैं जानता हूँ कि इस विषय में तुम लोग बहुत ही अव्यवहारी हो। भारतवर्ष में मनुष्य युगानुयुग साबित कदम ही रहेंगे। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि न तो उनका कोई गिरजाघर है और न सामुदायिक प्रार्थना की पुस्तक। वहाँ इस तरह के दूसरे साधन ही नहीं हैं, परंतु फिर भी वे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तथा मन को एकाग्र करने का यत्न करते हैं। उनकी उपासना का मुख्य अंश यही है। असल में यह तो उस देश का धर्म ही है। हाँ, उनमें से प्रत्येक के प्राणायाम तथा मन को एकाग्र करने की पद्धति का खास तरीका है, पर यह आवश्यक नहीं है किसी व्यक्ति की स्त्री भी वह तरीका जाने। शायद बाप भी लड़के का तरीका नहीं जानता है, लेकिन हिंदुओं को ये अभ्यास करने ही होते हैं। इन अभ्यासों में कोई गूढ़ता नहीं है। गूढ़ता शब्द भी इनको लागू नहीं होता। रोज हजारों मनुष्य गंगा के किनारे आंख बंद कर ध्यान लगाए हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं। साधारण जनता किसी किसी प्रक्रिया को आचरण में नहीं ला सकती। इसके दो कारण होते हैं। पहला तो यह कि आचार्यों के मत से साधारण जनता इस अभ्यास के योग्य नहीं होती। इस मत में कुछ सत्यांश हो सकता है, लेकिन अधिक सच्चा कारण है योग्य मार्गदर्शक का अभाव। दूसरा कारण है अत्याचार का भय। उदाहरणार्थ तुम्हारे देश में आम तौर से प्राणायाम करना कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि लोग उस व्यक्ति को शायद सोचने लगे क्या अजीब जीव है यह। इस देश का ऐसा रिवाज ही नहीं है। इसके विरुद्ध भारतवर्ष में अगर कोई ऐसी प्रार्थना करे, हे प्रभु आज के दिन हमें हमारी हर रोज की रोटी दो, तो लोग उस पर हंसेंगे। हे पिता,
जो तो स्वर्ग में रहता है, इसके समान तो हिंदुओं की दृष्टि में दूसरी मूर्खता की कल्पना नहीं हो सकती। जिस समय हिंदू उपासना करने बैठता है उस समय परमेश्वर अपने हृदय में विराजमान है, ऐसा वह समझता है। योगियों के मत से मुख्यतः तीन नाड़ियां हैं, पहली ईड़ा, दूसरी पिंगला और बीच की सुषुम्ना, तीनों मेरुदंड के भीतर रहती हैं। दाहिनी ईड़ा और बाईं पिंगला ये ज्ञान तत्वों की बनी हुई हैं। बीच की सुषुम्ना यह ज्ञान तत्वों की बनी हुई नहीं है, वह पोली है। सुषुम्ना बंद रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता, वह ईड़ा और पिंगला से ही अपना काम लिया करता है। इन्हीं नाड़ियों द्वारा संवेदना का प्रवाह लगातार आता जाता रहता है और संपूर्ण शरीर में फैले हुए ज्ञान तंत्रों द्वारा शरीर की पृथक पृथक इंद्रियों तक ये नाड़ियाँ हुक्म पहुँचाती रहती हैं। ईड़ा और पिंगला का व्यवहार नियमित करना और उनमें नियमित गति रिदम उत्पन्न करना प्राणायाम का एक महत्व का उद्देश्य है, पर यह स्वयं कुछ असामान्य कार्य नहीं है। यह सिर्फ अपने फेफड़ों में काफ़ी हवा लेना है और खून साफ करने के अलावा इसका कोई विशेष उपयोग नहीं है। श्वासोच्छ्वास द्वारा हवा फेफड़ों में खींचना और उसके द्वारा खून साफ करना, इसमें कोई गुप्त रहस्य नहीं है। यह विधि केवल शारीरिक क्रिया मात्र है। प्राणायाम से सिद्ध हुई ईड़ा पिंगला की नियमित गति जब और भी नियमित होकर अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, तब हम मूलभूत शक्ति को, जिसे हम प्राण कहते हैं, प्राप्त होते हैं। विश्व में सर्वत्र दिखाई देने वाली सब क्रियाएं इस प्राण के विभिन्न रूप हैं। यह प्राण आभ्यंतरिक सूक्ष्म महाशक्ति है, वही प्राण विद्युत शक्ति है, वही चुंबक शक्ति है। मस्तिष्क के द्वारा यह प्राण शक्ति विचार के रूप में प्रकट होती है। सब वस्तुएं प्राण ही हैं और यही प्राण शक्ति सूर्य, चंद्र, तारे आदि को चलाती है। हम कहा करते हैं कि इस विश्व में जो कुछ विद्यमान है वह सब प्राण के स्पंदन का ही कार्य है। प्राण के सूक्ष्मतम स्पंदनों आत्मा अनुभूति तथा उसके मार्ग का कार्य है। विचार इससे परे अगर कुछ है तो वह हमारी कल्पना शक्ति के बाहर है। इस प्राण द्वारा ईड़ा और पिंगला का कार्य होता है। विभिन्न शक्तियों का रूप लेकर शरीर के प्रत्येक विभाग को प्राण ही चलाता है। यह पुरानी कल्पना तुम छोड़ दो कि ईश्वर नाम का कोई है जो बाहर से ये सब कार्य चला रहा है और आकाश में सिंहासन हो न्याय करता है। काम करते समय हम थक जाते हैं क्योंकि उसमें हम प्राण शक्ति का बहुत व्यय करते हैं। श्वासोच्छ्वास के अभ्यास को ही हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से श्वासोच्छ्वास नियमित होता है और प्राण की क्रिया में नियमित गति उत्पन्न होती है। जब प्राण की गति नियमित होती है तो सब व्यवहार योग्य रूप से चलने लगते हैं। जब योगियों का शरीर उनके वश में हो जाता है और फिर शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न होता है तो वे समझ लेते हैं कि उस अंग में प्राण की गति अनियमित हो रही है। वे फिर प्राण को उस विकृत अंग की ओर प्रेरित करते हैं जब तक कि उसकी गति फिर से नियमित रूप से शुरू नहीं हो जाती। जिस तरह तुम अपने शरीरस्थ प्राण पर अपना अधिकार चला सकते हो, उसी तरह अगर तुम काफी शक्तिमान हो तो यहाँ रहकर भी भारतवर्ष के मनुष्यों के
प्राण पर तुम अधिकार चला सकते हो। प्राण यहाँ से वहां तक एक वस्तु है, कहीं पर खंड नहीं है, एक तब ही उसका लक्षण है। आदि भौतिक, आदि दैविक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से वह एक है। जीवन सिर्फ उसकी एक लहर है। जो शक्ति आकाश तत्व में लहरें उत्पन्न करती है, वही तुम्हें सचेतन रखती है। जिस तरह सरोवर में बर्फ के विभिन्न घनत्व के सतर होते हैं, उसी तरह यह विश्व भी जड़ भूतों का एक विभिन्न सतर वाला समुद्र है। सूर्य, चंद्र, तारे और हम खुद भी इस महाकाश में अलग अलग घनत्व की वस्तुएं हैं, लेकिन वह आकाश तत्व अखंड है, एक रस है। जब हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञान होता है कि संपूर्ण विश्व एक है। आध्यात्मिक, पंच भौतिक, मानसिक तथा प्राण जगत ये भिन्न भिन्न नहीं है। समस्त विश्व यहाँ से वहां तक एक है, सिर्फ अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण विभिन्न प्रतीत होता है। मैं शरीर हूँ, इस भावना से जब तुम अपनी ओर देखते हो तो मैं मन भी हूँ यह भूल जाते हो, और जब तुम अपने को मनोरूप देखने लगते हो तो तुम्हें अपने शरीर तब की विस्मृति हो जाती है। विद्यमान वस्तु सिर्फ एक है और तुम वह हो। वह तुम्हें या तो जड़ या शरीर के रूप में अथवा मन या आत्मा के रूप में दिख सकती है। जन्म, जीवन, मरण ये सब भ्रम मात्र हैं। न कोई कभी मरता है, न कभी कोई जन्म लेता है। बस यही बात है कि मनुष्य एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है। इधर पाश्चात्यों को मृत्यु का बतंगड़ बनाते देख मुझे बहुत दुख होता है। वे मानो जीवन को पकड़ रखने की कोशिश करते रहते हैं। मृत्यु के बाद फिर हमें जीवन दो, फिर हमें जीवन दो। अगर कोई आवे और उन्हें बतावे कि मृत्यु के बाद भी वे जिंदा रहेंगे तो वे कितने खुश होते हैं। इसमें मैं अविश्वास किस तरह कर सकता हूँ? मैं मृत हूँ, यह मैं किस तरह सोच सकता हूँ? तुम अपने को मरा सोचने की कोशिश करो और तुम देखोगे कि मृत शरीर से विभिन्न तुम फिर भी विद्यमान रहते हो। जीवन एक ऐसा आश्चर्यमय सत्य है कि तुम एक क्षण भी उसका विस्मरण नहीं कर सकते। तुम्हें अपने अस्तित्व के संबंध में भले ही शंका आ जाए, परंतु मैं हूँ यह बोध चैतन्य का मुख्य प्रमाण है। जिसका कभी अस्तित्व न था, उसकी कल्पना ही कौन कर सकता है? इसलिए चैतन्य का अबाधित अस्तित्व स्वयं सिद्ध सत्य है। इसी कारण अमरत्व की कल्पना मनुष्य में स्वभावतः विद्यमान रहती है। जो विषय कल्पनातीत है, उस पर मनुष्य विवाद ही क्यों कर सकता है? जो विषय स्वतः प्रमाण है, उसके प्रामाण्य के संबंध में हम चर्चा क्यों करें? इसलिए हम चाहे किसी दृष्टि से देखें, हमें प्रतीत होगा कि यह संपूर्ण विश्व एक ही वस्तु है। अभी हमें यह विश्व प्राण तथा आकाश शक्ति एवं जड़ का बना हुआ प्रतीत होता है। और आप लोग ख्याल रखें कि इत्र मूलभूत सिद्धांतों के समान यह सिद्धांत भी सर्वविरोधी है, क्योंकि शक्ति स्वयं क्या है? शक्ति वह है जो जड़ में गति उत्पन्न करती है, और जड़ क्या है? जड़ वह है जो शक्ति से गतिमान हो। तब तो यह चक्कर झूला है। हमें विज्ञान तथा बुद्धि का अभिमान होते हुए भी हमारे कोई कोई मूलभूत तर्क सिद्धांत बड़े विचित्र होते हैं। जैसा कि संस्कृत सुभाषित में कहा है, यह
बेसिर का सिर दर्द है। इस वस्तु स्थिति का नाम है माया, न तो वो विद्यमान है और न अविद्यमान ही। यह विद्यमान है यह तुम इसलिए नहीं कह सकते कि सिर्फ वही वस्तु विद्यमान कहलाती है जो देश काल से परे हो और स्वतः प्रमाण हो। फिर भी हमें ऐसी प्रतीति होती है कि यह विश्व कुछ अंशों में विद्यमान है, इसलिए इस विश्व का अस्तित्व है, ऐसा हमें आभास होता है। परंतु इस समस्त विश्व में एक सत वस्तु ओतप्रोत है और वह देश काल तथा कार्य कारण के जाल में फंसी सी है। मनुष्य का सच्चा स्वरूप वह है जो अनादि अनंत आनंद में तथा नित्य मुक्त है, वही देश काल और परिणाम के फेर में फंसा है। यही प्रत्येक वस्तु के संबंध में सत्य है। प्रत्येक वस्तु का परमार्थ स्वरूप वही अनंत है। यह विज्ञानवाद आइडियलिज्म नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्व का अस्तित्व ही नहीं है, इसका सापेक्ष अस्तित्व है और सापेक्षता के सब लक्षण इसमें विद्यमान हैं, लेकिन उसकी निरपेक्ष सत्ता नहीं है। वह इसलिए विद्यमान है कि उसके पीछे देश काल कारणातीत निरपेक्ष सत्ता मौजूद है। खैर, यह विषयांतर हो गया है, आइए अब हम फिर अपने मुख्य विषय की ओर आवें। सारी क्रियाएं चाहे चेतना युक्त हों अथवा इच्छा शक्ति रहित, वे प्राण के ही कार्य हैं जो ज्ञान तंतु द्वारा होते हैं। इससे तुम्हें अब मालूम होगा कि अज्ञातवश की हुई क्रियाएं पर अपना अधिकार चलाना एक अच्छी बात है। एक दूसरे मौके पर मैंने तुम्हें मनुष्य और परमेश्वर की व्याख्या बतलाई थी। मनुष्य एक अमर्याद वर्तुल है जिसकी परिधि नहीं है, लेकिन जिसका केंद्र एक स्थान में निश्चित है, और परमेश्वर एक ऐसा वर्तुल है जिसे परिधि नहीं है परंतु जिसका केंद्र सर्वत्र है। वह सब हाथों द्वारा काम करता है, सब आँखों द्वारा देखता है, सब पैरों द्वारा चलता है, सब जीवों द्वारा जीवित रहता है, सब मुखों द्वारा बोलता है और सब मस्तिष्क द्वारा विचार करता है। अगर मनुष्य अपने अहम बोध को अनंत गुणित करे तो वह परमेश्वर बन सकता है और संपूर्ण विश्व पर अपना अधिकार चला सकता है। इसलिए चैतन्य का ज्ञान कर लेना परम आवश्यक है। हम ऐसा कहेंगे कि असीम अंधेरे में मानो एक अमर्याद रेखा है। हम वह रेखा नहीं देख सकते, लेकिन उस रेखा पर एक तेजोमय बिंदु है जो गतिमान है। इस रेखा के सहारे जैसे जैसे वह बिंदु आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वह विभिन्न भागों में क्रमशः प्रकाश डालता जाता है, और जो हिस्से पिछलते जाते हैं वे फिर से अंधेरे में डूब जाते हैं। हमारी चेतना अवस्था को बखूबी इस प्रकाशमान बिंदु की उपमा दी जा सकती है। वर्तमान ने उसके गत अनुभवों का स्थान ले लिया है, या कहो कि वे परसुप्त चेतना अवस्था में जा चुके हैं। उनके अस्तित्व का हमें बोध नहीं होता, परंतु फिर भी वे विद्यमान हैं और हमारे मन तथा शरीर पर अज्ञात भाव से परिणाम किए जा रहे हैं। इस अक्षण जो जो कार्य चेतना अवस्था की मदद लिए बिना ही बनते दिखाई दे रहे हैं, वे पहले चैतन्य अवस्था में थे, अब उनमें इतनी गति आ गई है कि वे स्वयं ही कार्य कर सकते हैं। सब नीति शास्त्रों का बिना किसी अपवाद के एक बड़ा दोष यह है कि उन्होंने उन साधनों का कभी उपदेश नहीं दिया जिनके द्वारा मनुष्य बुरा करने से अपने को रोक सके। सभी नीति ग्रंथ कहते हैं कि चोरी मत करो, ठीक है, लेकिन मनुष्य चोरी करता ही क्यों है? कारण यह है कि चोरी, डाका, दुर्व्यवहार आदि दुर्गुण बिना किसी अपवाद के इच्छा शक्ति रहित क्रियाएं बन बैठी हैं। डाका डालने वाले या चोर, झूठ अथवा अन्यायी स्त्री पुरुष ऐसे इसलिए होते हैं कि अन्यथा होना उनके हाथ नहीं। सचमुच यह
मानस शास्त्र के लिए एक बड़ी विकट समस्या है। मनुष्य की ओर हमें बड़ी उदारता की दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छा मनुष्य बनना इतना सरल बात नहीं है। जब तक तुम मुक्त न हो तब तक एक यंत्र के अलावा और तुम क्या हो? क्या तुम्हें इस बात पर अभिमान होना चाहिए कि तुम अच्छे मनुष्य हो? बिल्कुल नहीं। तुम इसलिए अच्छे हो कि तुम अन्यथा हो ही नहीं सकते। दूसरा मनुष्य इसलिए बुरा है कि अन्यथा होना उसके अधिकार में नहीं है। अगर तुम उसकी जगह होते तो कौन जानता है कि तुम क्या होते? एक अनीतिमान स्त्री तथा जेल में का एक चोर मानो ईसा मसीह है, जो इसलिए सूली पर चढ़ा गया है कि तुम अच्छे बनो। प्रकृति में इसी तरह साम्यावस्था रहती है। सब चोर और खूनी, सब अन्यायी और पतित, सब बदमाश या राक्षस मेरे लिए ईसा मसीह है। देव रूपी ईशा तथा दानव रूपी ईशा, इन दोनों का ही पूजन करने के लिए मैं बाध्य हूँ। यह मेरा विश्वास है और मैं अन्यथा नहीं कर सकता। मैं अच्छे और साधु पुरुषों को प्रणाम करता हूँ और बदमाश और शैतानों के पैर पर भी मेरा सिर नमता है। वे सभी मेरे गुरु हैं, मेरे धर्मोपदेशक आचार्य हैं, मेरे रक्षक हैं। मैं चाहे किसी एक को शाप दूं, परंतु संभव है फिर उसी के दोषों से मेरा लाभ निकले। दूसरे को मैं आशीर्वाद दूं और उसके शुभ कर्मों से मेरा हित हो। यह सूर्य प्रकाश के समान सत्य है। दुराचारी स्त्री को मुझे इसलिए धुतकारना पड़ता है कि समाज यह चाहता है। आह, वह मेरा रक्षण करने वाली, जिसकी अनीति के कारण ही दूसरी स्त्रियों का अस्तित्व सुरक्षित रहा, इसका विचार करो। भाई और बहनों, इस प्रश्न को जरा अपने मन में सोचो। यह सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है। मैं जितनी ही अधिक दुनिया देखता हूँ, जितना ही अधिक मनुष्य और स्त्रियों के संपर्क में आता हूँ, उतनी ही मेरी यह धारणा दृढ़तर होती जाती है। मैं किसे दोष दूं? मैं किसकी तारीफ करूं? हमें वस्तु स्थिति का सब ओर से विचार करना चाहिए। हमारे सामने बहुत बड़ा कार्य है और इसमें सर्वप्रथम और सबसे महत्व का काम है हमारे अनंत सुप्त संस्कारों पर अधिकार चलाना, जो इस इच्छा शक्ति रहित क्रियाओं में परिणित हुए हैं। यह बात सच है कि दुर्व्यवहार मनुष्य के जागृत अक्षेत्र में विद्वान रहता है, लेकिन जिन कारणों ने इस बुरे काम को जन्म दिया, वे इससे परे परसुप्त और अदृश्य जगत के हैं और इसलिए अधिक प्रभावशाली हैं। व्यवहारीय मानस शास्त्र प्रथम में यह सिखलाता है कि हम अपने मन के अज्ञात अक्षेत्र पर अपना अधिकार किस तरह चला सकें। हम जानते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं कि जागृत भाव इस परसुप्त भाव का कारण है। हमारे जो लाखों पुराने जागृत विचार हैं, वे ही डूबने पर हमारे परसुप्त अज्ञात संस्कार बन जाते हैं। पुराने जागृत भाव घनीभूत होते जाते हैं, हमारा उधर ख्याल ही नहीं जाता, हमें उनका ज्ञान नहीं होता, हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन देखो, ध्यान रहे कि परसुप्त अज्ञात संस्कारों में अगर बुरा करने की शक्ति है, तो उनमें अच्छा करने की भी शक्ति है। जिस तरह एक गठरी में बहुत सी चीजें बंधी रहती हैं, उसी तरह बहुत सी बातें हमारे अज्ञात अक्षेत्र में रहती हैं। उन्हें हम भूल गए हैं, हम उनका विचार तक नहीं करते। उनमें से बहुत सी वही पड़ी सड़ती हैं और वास्तव में भयानक बनती जा रही हैं। ये ही परसुप्त कारण आगे बढ़ आते हैं और विश्व का नाश कर देते हैं। इसलिए सच्चा मानस शास्त्र इस बात की कोशिश करेगा कि इन परसुप्त भावों को जागृत भावों के स्वाधीन रखें। मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को जागृत करना, जिससे कि वह अपना पूर्ण स्वामी बन जाए, एक बड़ा कार्य है। शरीरांतर्गत यकृत आदि इंद्रियों की इच्छा शक्ति रहित क्रियाओं को भी हम अपना हुक्म मानने के लिए लगा सकते हैं। अज्ञात अक्षेत्र को अधिकार में रखना हमारे अभ्यास का पहला भाग है। दूसरा है जागृत अक्षेत्र के परे जाना। जिस तरह अज्ञात अक्षेत्र जागृत अक्षेत्र के नीचे उसके पीछे रहकर कार्य करता रहता है, उसी तरह जागृत अक्षेत्र के ऊपर उसके अतीत भी एक अवस्था है।
जब मनुष्य इस अति जागृत द्वंद्वातीत अवस्था को पहुंच जाता है तो वह मुक्त होकर ईश्वरत्व को प्राप्त होता है, मृत्यु अमरत्व में परिणित हो जाती है, दुर्बलता असीम शक्ति बन जाती है और अज्ञान की लोह श्रृंखलाएं टूट जाती हैं। यही द्वैत बोधातीत अनंत का पद है जो हमारा ध्येय है। इसी से यह स्पष्ट होता है कि हमको एक ही समय दो काम करने होंगे। एक तो है शरीर में स्थित ईड़ा और पिंगला के प्रवाहों को नियमित कर अज्ञातवश होते हुए कार्यों को नियमित करना और दूसरा है साथ ही साथ द्वैत बोध के भी प्रे जाना। ग्रंथों में कहा है कि वही योगी है जो दीर्घ काल तक चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करके इस सत्य को पहुंच जाता है। अब सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है और इस मार्ग से वह प्रवाह शुरू हो जाता है जो इसके पहले वहां कभी नहीं था और वह जैसा कि अलंकारिक भाषा में कहा है धीरे धीरे अनेक कमलों को खिलाता हुआ अंत में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तब योगी को उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान होता है अर्थात यह कि वही स्वयं परमेश्वर है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी अपवाद के योग को इस अंतिम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह अत्यंत कठिन कार्य है। अगर मनुष्य को इस सत्य का अनुभव करना हो तो सिर्फ विक्तरता सुनने और श्वासोच्छ्वास की थोड़ी सी क्रियाओं का अभ्यास करने के अतिरिक्त कुछ विशेष साधना करनी होगी। महत्व है तैयारी ही की। दीपक जलाने को कितनी सी देर लगती है लेकिन उस मोमबत्ती को बनाने में कितना अधिक समय लग जाता है। खाना खाने में कितनी देर लगती है, शायद आधा घंटा, लेकिन वही खाना पकाने के लिए कितने घंटे लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि दीप एक क्षण में जल उठे लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि मोमबत्ती बनाना ही महत्व का भाग है। इस प्रकार यद्यपि ध्येय साधना बहुत कठिन है तथापि हम में से किए हुए बिल्कुल छोटे छोटे प्रयत्न भी व्यर्थ नहीं जाते। हम जानते हैं कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि वे मनुष्य जिनकी योग साधना इस जन्म में सिद्ध नहीं हुई किस दिशा को प्राप्त होते हैं, क्या वे ग्रीष्म काल के मेघों की तरह नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। जो कुछ मनुष्य एक बार अपना लेता है वह उसी का हो जाता है और यदि योग की सिद्धि इस जन्म में नहीं हुई तो दूसरे जन्म में मनुष्य फिर वही अभ्यास आरंभ कर देता है। यदि ऐसा नहीं है तो ईसा मसीह, बुद्ध अथवा शंकराचार्य के अलौकिक बाल्य का स्पष्टीकरण तुम कैसे दोगे। आसन, प्राणायाम इत्यादि योग के सहायक अवश्य हैं, लेकिन वे सिर्फ शारीरिक क्रियाएं हैं। महत्व का पूर्वाभ्यास है मानसिक। सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि हमारा जीवन शांति पूर्ण तथा समाधान युक्त हो। अगर तुम योगी बनना चाहते हो तो तुम्हें स्वतंत्र बनना चाहिए और अपने आसपास ऐसी परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए जिससे कि तुम एकांत में निश्चिंत रह सको। अगर तुम्हें भोग युक्त और सुखकर जीवन चाहिए और यह भी चाहते हो कि तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए तो तुम उस मूर्ख मनुष्य के समान हो जिसने मगर को पकड़ रखा है और उस मगर को काठ का टुकड़ा समझकर उसके सहारे नदी को पार करना चाहते हो। पहले परमेश्वर के दरबार में पहुंचो और सब कुछ तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। यही एकमेव महान कर्तव्य है, यही त्याग है। किसी विशेष ध्येय के लिए जिंदा रहो और मन में कोई दूसरे विचार आने के लिए अवकाश ही मत रखो। आओ हम अपनी सब शक्तियां उस आध्यात्मिक पूर्णता की ओर लगाएं जिसका कभी अक्षय नहीं होता। अगर हमें आत्मबोध की सचमुच लगन है तो हमें साधना करनी चाहिए और उसी के द्वारा हमारी उन्नति होगी। हम गलतियां करेंगे लेकिन शायद वे ही हमारे लिए अज्ञात वरदान के सदृश हो जाएं। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहारा है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम अपनी भौतिक भावनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपना दिव्य स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। ध्यान करते समय
हमें कोई बाहरी साधनों पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता। गहरे अंधेरे स्थान को भी आत्मा की ज्योति दिव्य प्रकाश से भर देती है। बुरी से बुरी वस्तु भी वह अपना सौरभ उत्पन्न कर सकती है। वह अत्यंत दुष्ट मनुष्य को भी देवता बना देती है। संपूर्ण स्वार्थी भावनाएं और संपूर्ण शत्रु भाव ही नष्ट हो जाते हैं। शरीर का जितना कम ख्याल हो उतना ही अच्छा, क्योंकि यह शरीर ही है जो हमारा अधः पतन करता है। इस शरीर की ममता, इस शरीर का अभिमान ही हमारे दुखों का कारण है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह विश्व और उसके संपूर्ण भाव, उसकी भलाई और उसकी बुराई, ये सिर्फ चित्रपट पर खींची हुई विभिन्न रेखाकृतियां हैं और मैं उनका साक्षी मात्र हूँ। यह निधिध्यासन ही धर्म जीवन का रहस्य है। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। वीडियो नंबर 3 को हम शुरू करेंगे, अध्याय 3, शाश्वत शांति का पथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते।